Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106, or 2371-7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे. श्रोताओं, आज शनिवार है. हर शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे. आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे. हमसे बात करने के लिए इन नंबरों पर आप हमें फोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 भी डायल करें. प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली. शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. वेलकम शरद. नमस्कार सोनू, नमस्कार राजेश और नमस्कार सभी श्रोताओं को. और अब शुरुआत करते हैं हेडलाइन से, जिन्हें आप तक ला रहे हैं राजेश लेख. डोमेस्टिक स्टॉक्स क्लाइम मोर देन 1% इन द बिजनेस वीक एंडेड यस्टरडे. सेंसेक्स फिनिशेस नियर द 53,000 मार्क अमिड पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज. निफ्टी सेटल्स अबव द 15,850 मार्क. रूपी लॉग weekly fall of 33 paise against the US dollar. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह के दौरान घरेलू सूचकांक 1% से अधिक बढ़ गए. सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स 53,000 के करीब हुआ बंद. निफ्टी 15,850 के ऊपर पहुंचा और रुपए में डॉलर के मुकाबले 33 पैसे की साप्ताहिक गिरावट हुई दर्ज. Domestic stocks witnessed gains of more than 1% in the business week ended yesterday. The Sensex and the Nifty rose amid positive global cues. Decline in fresh coronavirus cases in the country and increased pace of vaccination also encouraged investments in the Indian stocks. During the week, the Sensex was volatile and settled near the 53,000 mark, while the Nifty settled above the 15,850 level. The Sensex rose 581 points or 1.11% to 52,925 and the Nifty 50 index gained 177 points or 1.13% to settle at 15,860. The broader market at BSE performed better than the Sensex during the week. The mid-cap index climbed 1.4% while the small-cap index surged 1.41%. और अब आज के हमारे पहले कॉलर कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो मध्य प्रदेश से हमें फोन कर रहे हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत. सवाल पूछे. जी नमस्कार मैडम. नमस्कार जी. मेरा सवाल इससे लेके है, मॉरेटोरियम से लेके, इस साल जिस तरह से मॉरेटोरियम लिया था तो इस तरह से क्या लोन रिस्ट्रक्चर और लोन मॉरेटोरियम नहीं ले सकते? हमारा एक्सिस बैंक में लोन अकाउंट है और अभी हमें इस तरह से कोई सुविधा नहीं मिल रही, क्योंकि मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता है जो कोविड के कारण बहुत दिक्कत समस्या हो रही है, आपको भी पता है मैडम. हाँ, कि अभी लॉकडाउन हो रहा है तो भोपाल में रहता है, भोपाल में. बाकी बैंकिंग वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं. मैंने उनसे बड़े ही विनम्र तरीके से बोला है कि आप मुझे लोन रिस्ट्रक्चर कर दीजिए या फिर कम ईएमआई कर दीजिए. जी शरद जी, क्या कहना है, क्या विकल्प है इनके पास? शरद जी देखिए कुलदीप जी, मॉरेटोरियम पिछले साल लाया गया था जब आरबीआई ने, जब कोरोना का पहले लॉकडाउन लगा था, शुरू में ही आरबीआई ने एक रिलीफ मेजर की तरह उसको लाया था. इस साल अभी मॉरेटोरियम का कोई जिक्र नहीं आया है, ना ही, क्योंकि ऐसा देखा गया था कुलदीप जी कि जिस प्रकार लोगों को परेशानी हो रही है, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको
अपनी किस्तें वापस करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप जैसे रेस्टोरेंट में काम करते हैं, होटल्स में, जो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, जहां पर तनख्वाहें नहीं मिल रही, तनख्वाहें काट दी गई हैं, लोगों को निकाल भी दिया गया है, तो उन लोगों को लाजमी बात है कि क्योंकि तनख्वाह नहीं आ रही तो अपनी ईएमआई देने में दिक्कत आ रही है। पर यही दिक्कत बताई गई बैंकों ने कि जब बैंक ने मॉरेटोरियम दिया तो बैंक भी घाटे में जाने लगे थे, क्योंकि बैंक की कमाई यही है। अब खैर, आपको तो आपकी तो समस्या निजी है, तो ये तो एक मैक्रो लेवल पे समस्या हुई। तो देखिए, अभी इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका यही हो सकता है कि आप जब किस्त नहीं दे रहे हैं तो आप बैंक की सीनियर मैनेजमेंट को, जो लोन डिपार्टमेंट है, उनको आप अप्रोच करें, आप उनको बताएं अपनी पे स्लिप पुरानी जो है या आपका अपॉइंटमेंट लेटर, कि मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूं और मेरा रेस्टोरेंट बंद रहा, अभी सरकार के निर्देश के अनुसार बंद रहा और मुझे तनख्वाह पूरी नहीं मिली या नहीं मिली, जो भी हालात हैं आप उनको बताइए। तो लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंकों को कुछ प्रकार के लोनों को हिदायत दी गई है, तो हो सकता है कि आप उसके अंतर्गत आए और आपको, या और कोई विकल्प बैंक के मैनेजर या लोन के जो सीनियर मैनेजमेंट है वो निकाल के दें। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, एक बार आप जो लोन डिपार्टमेंट है, बजाय आप नॉर्मल बैंक में फोन करने के मैनेजर को या किसी को, आप जो लोन सेक्शन है वहां बैंक का रीजनल जोनल ऑफिस होता है, आप वहां संपर्क करें। लोन रीस्ट्रक्चरिंग जरूर करा जा रहा है कुछ केसेस में, आपका केस अब किस प्रकार का लोन है ये उसमें देखना पड़ेगा, पर आप एक दफे मैं आपको सलाह दूंगा, आप उस पर ट्राई जरूर करें। फिलहाल इस साल के लिए कोई नया मॉरेटोरियम स्कीम नहीं लाया गया। फ्रॉम मुंबई वी आर जॉइंड इन बाय आशीष, वी वेलकम यू आशीष। हेलो हेलो आशीष, कैन यू हियर अस? या प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। First of all, I would like to thank Mr. Kohli for giving such a wonderful insight on the market for just for half an hour program. My question is to Mr. Kohli is that we are seeing that many new age internet companies are tapping IPO market, and these companies are basically all loss making companies. So what are your views ki how these companies will perform going forward if the IPOs come, and what benefit suppose as an retail investor I want to invest them, is they going to help or not? What can you throw light on this part? See Ashish, first of all thank you very much for your word of appreciation, which I would like to share with our entire team who work very hard to bring this program to you. See, as far as the IPOs for internet, new age internet companies, you will have to be very specific, because a generalized answer for all the new IPO companies would be a bit unfair to give. So from company to company, Ashish, the fundamentals differ, the promoters differ, the business model differs, the prospects of the company differ, the top lines, bottom lines differ, the past performance of the company differs, who is investing in the company as large investors, that also differs. So there are so many, you know, dynamic factors, and there are so many dependent factors which govern the, you know, the goodness, or I would say the not so creamy aspect of the IPO. So therefore, you will the parameters, Ashish, which I have spoken about, if you note them down, then you can just tick mark. You know, just go on, like promoters, tick mark. They are good. Business model, good. Prospects, good. Who are the large investors, good. Top lines, past performance, good. So I think that is the way you have to assess each and every, you have to take each IPO, Ashish, on merit. Do not use a generalized opinion about all the IPOs. I mean, don't measure them with a single scale. Is the message I would like to, since you are a very, very, very aware kind of investor. And also, Ashish, another word before I wrap up your answer is that there are so many other investment avenues as far as sectors are concerned in stock market. There is metal sector, there is information technology, you know, mid-cap, which is doing very well. There is FMCG, which is doing very well. Pharma has been, you know, recently doing very well. Again, it is likely to do well. So I would suggest that instead of, you know, if you are confused about the new internet age IPOs, then you can rather put your money in some of the better performing existing stocks. I know, I mean, people who do an IPO, they really enjoy doing an IPO, and sometimes the gain can be windfall. But, you know, in a generalized way, do not measure them with the same scale is the message I would like to convey to you. चलते हैं अगले कॉलर के पास। राजू गोपाल हैं हमारे साथ चेन्नई से, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैडम, आई एम राजू गोपाल फ्रॉम चेन्नई स्पीकिंग। गुड इवनिंग राजू गोपाल जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने जो आपका रेडियो सेट है उसकी वॉल्यूम हल्की कर दीजिए, बहुत एको आ रहा है। आई वॉन्ट टू नो रेडियो, ओके ओके, आई वॉन्ट टू नो
Look, as a beginner of investor, layman investor, I want to know what is this definition of this small cap, mid cap and large cap, madam? Is it limited by value of the shares in the market or by any other limitation is there? Because I'm just going to begin investing in market, share market. Very valid question. I got your question, Mr. Rajagopala. A very valid question. See, I'll give you the parameters on which the mid-cap, small-cap and large-cap is defined. Since you are a layman investor, first of all, market capitalization is the number of shares multiplied by the price of the shares. So shares which are less than 5,000 crores are categorized as small-cap. Between 5,000 and 20,000 crores are called as mid-cap. And above rupees 20,000 crores market cap are called large cap shares. So that is the basis. Typically, it has been found that the large cap shares are more volatile because obviously there are more investors which are connected to the stock, the more people trade in those stocks. And then accordingly, it comes down. Mid cap are traded by a little smaller number of investors. And then small cap are traded. If you observe the price movement in stock, you will find that small caps share price movements are lesser than the mid cap, and then mid cap is lesser than the large cap. So that is the basic definition of large cap, mid cap, small cap. I would suggest, with the permission of Rajesh and Sonu, that keep listening to Market Mantra every day, and I'm sure you'll be a more enlightened investor very quickly, sooner than you can imagine, Mr. Rajagopala. R.M. Mathur from Noida joins us now. We welcome you, Mr. Mathur. Please ask your question. कोहली साहब, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत आभार. सर, मुझे अपने पोते के लिए 15-20 साल के लिए म्यूचुअल फंड में लगाना है, तो मेरी स्कीम जो मैंने चुनी है वो है एक्सिस म्यूचुअल फंड का ग्रेटर चाइना और एक्सिस का ही ESG और पराग पारिक. आप बता दें तीनों में लगा दूं या किस में लगाऊं? माथुर साहब, हमारा म्यूचुअल फंड के लिए और राजेश और सोनू भाई, अगर ठीक कह रहा हूँ तो संडे को कल प्रोग्राम होता है. मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता था. देखिए, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं माथुर साहब, सभी आदरणीय हैं. सभी की जानकारी बहुत दुरुस्त होती है, सभी की सलाह बहुत दुरुस्त होती है. तो मुझे ऐसा लगता है माथुर साहब, आपसे क्षमा मांगते हुए, कि मैं किसी और की टेरिटरी में, जो कल हमारे आदरणीय एक्सपर्ट आएंगे, मैं उनकी टेरिटरी में चला जाऊं, उनको तो बेहतर रहेगा. जब एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है आपकी, मैं अपने सर माथे पर लेता हूं आपका, मेरे एक्सपर्ट ओपिनियन का सुनना, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूं. पर हमें, क्योंकि कार्यक्रम का प्रोटोकॉल है कि हम म्यूचुअल फंड्स का संडे को डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है, आपको बहुत अच्छी सलाह मिलेगी. मैं आपको सलाह दूंगा, कल आप दोबारा फोन करें और आपको बाकायदा पूरी सलाह मिलेगी और आपका पैसा अच्छा कमाई करके देगा. तो मैं क्षमा मांगते हुए आपका प्रोग्राम, आपका क्वेश्चन कल के लिए डेफर करता. वी हैव धीरेन्द्र कुमार, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट टुमारो. इज अ वेरी रिस्पेक्टेड नेम म्यूचुअल फंड. आपसे गुजारिश है कि कल आप ट्यून इन करें. जी मिस्टर माथुर, तो कल हमें आपके कॉल का इंतजार रहेगा. और अभी हम ले रहे हैं कॉल रिंकी तिवारी की, जो बलरामपुर से हमें फोन कर रही हैं. रिंकी जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए. नमस्कार मैम, मेरा सवाल है मैम कि जैसे कि तीसरा लहर भारत में आ चुका है जो कोरोना है, तो इस स्थिति में जैसे पहला या दूसरा है, इस स्थिति में जो भारत का आर्थिक स्थिति है उस पर इस वक्त कैसा प्रभाव पड़ेगा जब ये अपना भयानक रूप धर लेगा, तो थोड़ा इससे सर कुछ बताएंगे. रिंकी जी, आप एक नियमित कॉलर हैं और आपने बड़ी काम की बात पूछी है, पर हम एक आशावादी दृष्टिकोण रिंकी रखते हैं. आपने कहा कि जब ये बहुत भयानक रूप धर लेगा, हम तो कहते हैं भयानक रूप धरे ही नहीं और ये बिल्कुल ऐसे ही निकल के चला जाए जैसे हवा गुजर जाती है और किसी को मालूम ना पड़े. क्योंकि इसके जो आर्थिक असर होता है, हमने देखा पूरी दुनिया में, केवल भारत की कहानी नहीं है. आप जो विकसित देश है, अमेरिका जैसे बड़े देश हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चाइना है, यूरोप है, दुनिया के बड़े बड़े देश की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हुई है. तो भारत भी इससे, रिंकी जी, अछूता नहीं रह सकता. देखिए, जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन होते हैं, दुनिया भर के कैंसिलेशन होते हैं, कामकाज रुक जाता है, एक आर्थिक चक्र जिसको हम कहते हैं, जब वो रुकता है तो उसका प्रभाव GDP पे, लोगों की आमदनी पर, टैक्स की कलेक्शंस पर. मैं अगर उसके प्रभाव गिनवाता जाऊं तो शायद बाकी का कार्यक्रम इसी में बीत जाएगा, पर आप मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं. और आपको मालूम भी है कि उसका प्रभाव पड़ता है, बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, कंपनीज को अपना काम रोकना पड़ता है, आवागमन रुक जाता है, मोबिलिटी पे फर्क पड़ता है. तो इसका फर्क पड़ता है. पर हम, रिंकी जी, मैं, आप क्योंकि नियमित कॉलर है तो आपसे मैं ये कहने की हक रखता हूं
कि आप आशावादी दृष्टिकोण रखें, हम उम्मीद करें कि ये अभी जो तीसरा अगर आए पहले तो अगर है, हो सकता है ना भी आए, अगर आता है तो ये बहुत सीमित रहे और उतने लोगों को प्रभावित ना करे, लोगों की सेहत दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, ना किसी की जान जाए और ना ही अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़े। तो मैं एक आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए आपकी बात को यहीं पर समेटता हूं कि पर अगर हुआ तो जी हाँ, प्रभाव तो पड़ेगा। इस बात से तो मैं एक आर्थिक विशेषज्ञ होने के नाते मैं तो इनकार, क्या कोई भी इनकार नहीं कर सकता। फ्रॉम नोएडा वी आर नाउ जॉइंड इन बाय हिमांशु, वी वेलकम यू हिमांशु। या गुड इवनिंग टू ऑल। हाउ सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे ऑटो सेक्टर की कुछ जो कंपनीज है जो फोर व्हीलर वाली जो होती हैं, उनमें सर जैसे अभी धीरे धीरे अनलॉक वगैरह हो रहा है, बट फिर भी हम उनके प्राइसेस में उतना ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीजंस होगा ये बता दीजिए सर। देखिए हिमांशु, अनलॉक जरूर हो रहा है पर दो कारण उसके पीछे मुख्यतः मैं मानता हूं, क्योंकि हमें फंडामेंटल दृष्टि से बात करना है। पहला कारण है कि ज्यादातर अभी तक जो ऑटो सेक्टर की कंपनीज है, फोर व्हीलर का आपने जिक्र किया, वो पेट्रोल और डीजल पर आधारित है। उनका अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं पर अभी उतनी मात्रा में नहीं है, तो पेट्रोल और डीजल के दाम जो कि काफी बढ़ गए हैं टैक्सेस की वजह से, अंतर्राष्ट्रीय क्रूड प्राइसेस की वजह से, और भारत का 85% जो भारत की आंतरिक जरूरत है वो आयात की जाती है, बाहर पर भारत निर्भर है, तो उसका क्रूड की प्राइस आपको पता होगा $75 को भी पार कर चुकी है। और दूसरा एक कारण ये मानता हूं कि अनलॉकिंग जरूर हो गई है, पर हमने देखा है कि लोगों की, क्योंकि लोगों का आर्थिक चक्र रुक गया था, अभी आपसे पहले कॉलर से यही बात हो रही थी, लोगों की इनकम गिर गई थी, लोगों को अपनी सेविंग्स इस्तेमाल करनी पड़ रही थी, प्रोविडेंट फंड से लोग पैसा निकाल रहे थे, जैसे तैसे करके लोग पैसा बचा रहे थे, तो उसमें होता क्या है हिमांशु जी के लोग फिर अपनी जो गाड़ी खरीदने की जो प्लान होता है, जैसे आपने सोचा हुआ है तो आप कहेंगे कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं, जो गाड़ी के लिए 5-7 लाख, 10 लाख, 15 लाख जितनी भी जिसका प्लान है, बजट है, उसको अभी बचा के रखते हैं, अभी जो स्कूटर मोटरसाइकिल है या पुरानी कार है उसी से काम चलाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जिससे कि अभी ये पैसे हमारी बचत रहे, कल को अगर फिर से कोरोना आता है और फिर लॉकडाउन लगता है तो हमारी हो सकता है आर्थिक हालत और भी ज्यादा नाजुक हो सकती है, तो इसलिए लोग ऐसे में फिर डिमांड थोड़ी सी सबड्यूड रहती है। पर एक पेंटअप डिमांड होती है मानसी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पेंटअप डिमांड होती है, जैसे जिन्होंने गाड़ी लेनी थी पिछले 2 महीने से लॉकडाउन था, तो वो एकदम जैसे ही खुलता है तो जिन्होंने लेनी है उन्होंने लेनी है, वो जाके फिर एकदम खरीदते हैं, उससे एकदम सर्ज आता है, पर वो धीरे धीरे कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि वो सेटल हो जाता है, उसके बाद डिमांड अपनी नॉर्मलसी पे आ जाती है, मतलब हालात के अनुसार हो जाती है। तो ये दो कारण मुख्यतः मुझे ऑटो सेक्टर के जो स्लो डाउन आप जो शेयर्स में देख रहे हैं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उसकी वजह से नजर आ रहे हैं, पर हम प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक ठाक हो जाए और गाड़ियां खूब जम के बिके, और उससे भी ज्यादा मैं ये प्रार्थना करूंगा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, बैटरी व्हीकल्स पे जल्दी निर्भर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा वो सड़कों पर दिखे, जिससे कि पेट्रोल और डीजल की जो समस्या है, पूरा देश जिससे जूझ रहा है, सरकारें भी जूझ रही है और कंज्यूमर भी जूझ रहा है, उससे हमें निस्तारण मिल सके। कानपुर से साकेत सोनी जी हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछे। हेलो जी साकेत जी, अपना सवाल पूछे। हाँ जी, मैं पूरी मार्केट मंत्र टीम को नमस्ते कहता हूँ, साथ में कोहली सर को तो बहुत ही आभार। मेरा सवाल ये है कि जो डिस्काउंट ब्रोकर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, तो अगर कोई आदमी उसमें लेके शेयर उसको होल्ड कर दे 2-3 साल के लिए, तो वो चार्ज कैसे वो काटेंगे? दूसरा सवाल ये है कि आने वाले समय में अब भारतीय अर्थव्यवस्था में शेयर मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहेगा? देखिए आपका जो साकेत जी पहला सवाल है, पहले आपके आभार का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो पहला सवाल है आपका डिस्काउंट ब्रोकर, देखिए डिस्काउंट ब्रोकिंग कॉन्सेप्ट क्या है, आज देश का जो सबसे बड़ी ब्रोकिंग फर्म है वो डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म बन गए, क्योंकि वो लोग बहुत ही कम चार्जेस पर आपकी ट्रेडिंग के चार्ज लेते हैं, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट लेते हैं, और ये एक नया मॉडल उभर के आया है, खास से कोरोना के दौरान जब नए 1,42,00,000 नए रिटेल इन्वेस्टर्स पिछले साल में शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो उनके लिए भी एक नया कारोबार का जरिया बना, उन लोगों ने जुड़े हुआ, फोन से ही आपको ब्रोकर के यहाँ पहले फोन कर करके या आपको ब्रोकर एक टर्मिनल देता था करते थे, तो उन लोगों का उससे ऑनलाइन करने से उनका खर्च भी कम हुआ, जिसके कारण, और वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक होता है साकेत जी आपने सुना होगा, तो बहुत ज्यादा जब कस्टमर्स हो जाते हैं तो आप उसकी कीमत कम करने की पोजिशन में बन जाते हैं, पर वो साल का मेंटेनेंस तो साकेत जी लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो बहुत ब्रोकरेज का अमाउंट आपने देखा होगा, मुझे लगता है आप इस्तेमाल करते हैं बहुत थोड़ा, 20 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए, ऐसे 15 रुपए, ऐसे वो लोग चार्ज करते हैं, अलग अलग फर्म्स अलग अलग लेती हैं, तो इस वजह से उनको फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेके अपना जो उनका खर्च है, क्योंकि आफ्टरऑल जो कंपनी चलती है
वो मुनाफे के लिए चलती है, कोई चैरिटी के लिए तो चलते नहीं है। तो अगर आप दो तीन साल के लिए भी रखते हैं तो एनुअल मेंटेनेंस तो वो अपना लेंगे ही लेंगे, इस बात से आप बिल्कुल वो रहे। पर मैं समझता हूं कि डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ काम करने में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होने के बावजूद भी एक निवेशक का और ट्रेडर का काफी पैसा बचता है। आपने दूसरा अर्थव्यवस्था का पूछा तो पहले दो आपसे कॉलर्स इसी से संबंधित थे। आने वाले शेयर मार्केट देखिए, अभी हम शेयर मार्केट एक बुलिश फेस में अपने ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है और अनलॉकिंग की वजह से लोग बहुत उत्साहित हैं कि जैसे जैसे सब खुल रहा है। पर मैं सलाह ये देता हूं निवेशकों के, बहुत फूंक फूंक के पग धरे, क्योंकि एक तीसरी वेव का साइंटिस्ट और डॉक्टर्स फोरकास्ट कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ना आए, पर मान लीजिए आती है तो मैं मानता हूं कि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन भी आ सकता है, एक बड़ा फॉल हो सकता है 500,000 पॉइंट का निफ्टी में, या सेंसेक्स में आपको 3,000-5,000 का भी फॉल दिखाई दे सकता है। तो इसलिए आप सोच समझ के चले, बहुत लंबे नजरिए के लिए अभी फिलहाल बहुत लंबा आप ले रहे हैं, मान लीजिए 5 साल 6 साल का तब तो ठीक है, पर अगर आप 1-2 साल का नजरिया रख रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप छोटे छोटे अमाउंट्स को सिलेक्टेड कंपनीज में फूक फूक के करें। मैं आपको एक बहुत रोचक बात बताता हूं, कई बार निवेश ना करना या कई बार ट्रेड ना करना भी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो मैं आपको एक वेट एंड वॉच अप्रोच होती है, बहुत सोच, जहां आपको पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मार्केट का ट्रेंड ठीक है, पर किसी भी दिन ये जो हमारा डेल्टा प्लस वेरिएंट है ना, ये हमारे दिमाग में, अभी आपसे पहले एक महिला थी रिंकी जी, वो यही पूछ रही थी कि अगर उसने कोई रूप ऐसा धारण किया जो कि फिर से फैलता है तो मार्केट एक करेक्टिव मोड में जा सकता है और दुनिया में भी वो फैल सकता है। यूके में फिर से आपको पता होगा केसेस बढ़ने शुरू हो गए, जबकि वहां बहुत लार्ज केस पे वैक्सीनेशन भी हो चुका है। तो इसलिए आप अभी थोड़ा सोच समझ कर, बहुत ज्यादा पैसा मैं आपको सलाह दूंगा साकेत जी, कि बहुत ज्यादा पैसा अभी आप ना लगाएं और सोच समझ के थोड़ा थोड़ा करके जहां पर आपको और जहां प्रॉफिट मिल रहा है वहां आप बुक करके बाहर आते जाएं और फिर दोबारा एंटर करते जाएं। फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश वी आर जॉइंड इन बाय योगेश, वी वेलकम यू योगेश। युगंधर सर, माय नेम इज युगंधर। ओके, अपोलॉजीज, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। सर, आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। यस, आई वांट टू नो अबाउट द शेयर सर। यस प्लीज सर, मेरा इसमें लास्ट मंथ अल्काइल एमाइन 3 शेयर है सर, उसमें स्प्लिट होकर 4 दिया गया तो टोटल 7 नंबर, लेकिन सिक्योरिटीज में मुझे 3 ही अभी तक दिखा रहा। विद इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग 4 विल बी अलॉटेड इन माय पोर्टफोलियो, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरे यहाँ एसबीआई शेयर 500 है लेकिन पोर्टफोलियो में 400 दिखा रहा है, लेकिन तो मुझे क्या करना चाहिए टू रेक्टिफाई देम? And thirdly, let's stick to 2 because sir, we have other callers also. Yogendra ji, if your DMAT account is not showing the required number of shares, I would suggest that whosoever is your broker, you may please contact the DMAT section of that broker, because they are the ones ultimately who are responsible through the stock exchange. The shares via broker, they reach, you hit your DMAT account. In fact, the DMAT account is monitored by the broker, so therefore they are opened through and with the broker. So therefore, I would suggest that you check with your broker as to why there is a discrepancy in the number of shares that you think you should be having and the number of shares which are reflecting. So broker will be the right person to answer. In case you find that some bungling has happened or something, there is something fishy about it, then you have the liberty of filing a complaint to SEBI if somebody has wrongfully taken away the shares from your DMAT account. You have the option of making a complaint, a petition to SEBI, who are very quick in responding. So do not worry, there is no unfair means which can sustain in the market. The systems have been made very, very transparent, very regulated, extremely monitored. The brokers are answerable for every single step. So therefore, please go ahead and complain to the check with the broker if you still have problems. प्लीज कॉल, वी विल क्लैरिफाई इफ यू हैव अ क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड। आई एम श्योर आपके आंसर से कई हमारे लिसनर्स को रीअश्योरेंस मिली होगी। अगले हमारे कॉलर हैं ग्रेटर नोएडा से, श्री एसपीएस जैन। मिस्टर जैन, आपका स्वागत है, सवाल पूछे। हाँ नमस्कार जी, मार्केट मंत्रा और कोहली जी को नमस्कार। नमस्कार जैन साहब, ये बताइएगा कि बैंक में जो लॉकर है उसमें नॉमिनी का नाम रखा जाता है? हाँ जी, और एफडी में भी हमने नॉमिनी का नाम रखा हुआ है। जी हाँ, हमारी और हमारी वाइफ के डेथ के बाद ये सारा सामान और पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। हाँ जी, लेकिन लॉकर को मैं अंदर क्या रखा है, हमारे बाकी जो अगर मान लिया जो लीगल हेयर हैं
नॉमिनी नीड नॉट कैन नॉट बी लीगल हेयर, उसके लिए तो विल में डालना पड़ेगा क्योंकि नॉमिनी इज ओनली ए ट्रस्टी। तो बैंक का सामान जब खुल के जाएगा तो क्या उसका बैंक उसकी लिस्ट बनाएगी या उसको एज इट इज ओवर हैंड ओवर कर देगी, जो भी आपका सामान है ले लीजिएगा। मैं समझ गया। पहले तो जैन साहब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपकी आपकी पत्नी को वो लंबी आयु दें, पर आप विल की बात कर रहे हैं और तो आप आगे की बात कर रहे हैं, आपकी लंबी आयु ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। पर अगर दुर्भाग्यवश कभी कुछ होता है तो आपको मैं सलाह ये दूंगा कि लॉकर के अंदर जो भी सामान पड़ा है आप उसकी एक लिस्ट बना के रखें, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए और जो आपके लीगल हेयर हैं या जो आपने जिसको नॉमिनी बनाया है दोनों को आप अपनी विल के साथ उस लिस्ट की कॉपी लगा के रखें। तो जब भी ऐसे हालात में बैंक का लॉकर खोला जाता है तो बैंक मैनेजर को जो नॉमिनी या लीगल हेयर होता है वो एक लिस्ट दिखाता है कि देखिए मेरे को जिनसे मैंने ये इनहेरिट किया है ये उन्होंने मुझे सामान लिख के दिया है। तो बैंक के मैनेजर उस लिस्ट से जैन साहब उसको टैली करते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा क्योंकि आप इतने जागरूक हैं और इतने फोर साइटेड हैं तो आपके लिए तो ये काम बहुत आसान है कि आप उसकी लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के अपने लीगल, अगर आप लीगल हेयर को अभी से नहीं देना चाहते हैं तो आप उसको सीक्रेटली जो भी आपके विल के एग्जीक्यूटर हैं आप उनके पास रखना चाहते हैं उनके पास रख दीजिए, आप उसकी लिस्ट साथ लगा के रखिए, नॉमिनी को भी लिस्ट अगर आप दे सकते हैं, नहीं तो कुछ ऐसी जगह रखिए उसको जिससे कि वो आसानी से एक्सेस हो सके और बैंक मैनेजर उसको बाद में टैली कर सके। और आइए अब रुख करते हैं करेंसी बाजार का, देखते हैं इस सप्ताह क्या प्रदर्शन रहा रुपए का। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 33 पैसे कमजोर हुआ और एक डॉलर की कीमत 74 रुपए के स्तर से ऊपर पहुंचते हुए 74 रुपए 19 पैसे पर दर्ज हुई। डॉलर में मजबूती के बीच रुपए में ये गिरावट आई। छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाले डॉलर सूचकांक में कल 0.4% की तेजी दर्ज हुई और ये 91.85 पर बंद हुआ। एंड द यूएस द एस&पी 500 इंडेक्स हिट अ रिकॉर्ड हाई यस्टरडे बूस्टेड बाय गेन्स इन बैंक स्टॉक्स। वीकर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डेटा ईज्ड वरीज ऑफ इन्वेस्टर्स अबाउट अ सडन टेपरिंग इन स्टिमुलस बाय द फेडरल रिजर्व। The S&P 500 gained 0.7% and the Nasdaq Composite Index added 0.3%, while the Dow Jones Industrial Average fell marginally by 0.1%. हमारे पास लगभग एक मिनट बाकी है। गौरव है गाजियाबाद से। गौरव जी आपका स्वागत है, जल्दी से सवाल पूछिए। सर, रिसेंटली कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ह्यूज कॉर्पोरेट प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज 53,000 करोड़। Is there any requirement to invest in R&D because they don't have any product? They are just a multi-car company. They buy technology from abroad and multiply it to 130 crore and make profit. Is there any corporate requirement from government that they invest in R&D and develop something, their own product? No, there is no, Gaurav, in short, there is no compelling promulgation for R&D. However, every listed company, there is something called CSR, if you have heard, Corporate Social Responsibility. So all companies, including Reliance, in fact, you will be surprised that Reliance does have an R&D department, and they are doing a lot of research. In fact, if you heard the speeches made during the AGM, they are doing it. However, we don't, because we don't go into specifics of a company, but there is no compulsion. Corporate social responsibility is there. So a lot of companies, they do R&D through corporate social responsibility. And corporate social responsibility mein briefly aur kya kya uske pehlu hote hain? Usme to bahut sari sono, usme to jitne bhi charitable kaam hai, jo dharmarth ke kaam hai, log pure ke pure companies ne gaon adopt kiye hue hain, bachchon ki padhai, schools ho gaye. Is it mandatory to spend 3% of your? Yes, it is mandatory for all the companies, listed companies, it is mandatory to spend. Absolutely. That is why I told him that, maybe they are doing R&D under the CSR. इस पूरे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए शरद जी और इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। My pleasure. Thank you. Thank you for being with us, Sharad. And before we close the headlines once again, domestic stocks climbed more than 1% in the business week ended yesterday. Sensex finishes near the 53,000 mark amid positive global cues. Nifty settles above 15,850. And the rupee log weekly fall of 33 paise against the US dollar. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.